पार्षद है नसरीन सुल्ताना, उनकी साफ वीडियो देखी जा सकती है जिसमें वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सतन से जुदा का नारा लगाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के सचिव हैं हैदराबाद के राशिद खान, उन्होंने शहर में आग लगाने की बात कही और उनके भाई ने भी सतन से जुदा करने की बात कही। और कितने ही सारे मौलानाओं की वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने खुले तौर से धमकी दी थी। एक नहीं दर्जनों लोग हैं, एएमआईएम के ही नेता रहे और कितने ही सारे जो दरगाह के खादिम थे उनकी वीडियो वायरल, गौहर चिश्ती और कितने ही सारे चिश्तियों के, बहुत सारे लोगों की। तो ये तो नहीं कह सकते कि नारे बीजेपी आरएसएस लगवा रहा है। कहीं ना कहीं जो जो लोग इस तरह की सोच बढ़ रही है उसको कॉल आउट करना जरूरी नहीं है कि गलत है भारत में रहकर इस तरह की आवाजें लगाना। देखिए, मेरे और आपके बीच में इस तरह की वार्तालाप पहले भी हो चुकी है, और कोई कोई मुस्लिम क्लेरिक्स, कोई आलिम, कोई तंजीम, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, किसी ने भी इन नारों का समर्थन कभी नहीं किया और ना आज कर रहे हैं। फिर भी अगर इस तरह के नारे लग रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब समझ जाइए आप कि ये कहां से और क्या हो रहा है। एमआईएम को क्या समझते हैं आप? एमआईएम तो बीजेपी की बीटी में सब जानते हैं, जो बीजेपी कहती है वो एमआईएम करती है। तो इसमें तो कोई दो राय, दो शक वाली बात ही नहीं है। जो इस तरह की बातें हो रही हैं, और दरगाह की आप बात कर रहे हैं कि दरगाह में उसने नारा लगाया, आपको ये भी पता होगा कि दरगाह के अंदर 800-900 लोग हैं जो अपने आप को सैयद लिखते हैं, और उनका आले सादात से कोई ताल्लुक किसी तरह का नहीं है। ऐसे बेहुदा लोग जो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस तरह के हथकंडे करते हैं, वो हैं इस तरह के लोग? ऐसी बात नहीं मुस्लिम समाज में, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे नारों का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप ये देखें कि किसी भी आलिम ने इस बात को नहीं कहा कि साहब ये नारे जो लग रहे हैं वो जायज है। जहां तक राशिद खान की बात है, जो कांग्रेस के सचिव हैं, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर इस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आग लगा देंगे शहर के अंदर। तो ये नारा कोई ऐसा नहीं है कि जो गैर संविधानिक, जिसको आप कह सके। देखिए, शहर में आग लगाने की बात संविधानिक नहीं, ये इंसान के जज्बात है, किसी तरह तो व्यक्त करेगा ना उसको आदमी। आदमी अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, एक मुसलमान कैसे खामोश रह सकता है? क्या वो अपनी जबान से भी इस तरह की बात, अपना गुस्सा जाहिर ना कर सके? सामने वाले तो हमारे ऊपर न जाने क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह की हरकत। आपने देखा कानपुर में जो कुछ हुआ, हम पत्थरबाज भी हो गए, हम गला काटने वाले भी बन गए। हमारे ही नबी की शान में जो है गुस्ताखियां हो रही हैं, माँ आयशा की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, और हम ही गला काटने वाले हैं, हम ही पत्थरबाज हैं। तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आती? ये तो बिल्कुल साफ है कि मरना भी इन्हीं को है और बदनाम भी यही होंगे। ये रशीद सब साहब, सोची समझी साजिश है। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा इतने पिछले कुछ महीनों का, जिसमें हमने देखा कि ब्लास्फेमी को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, और अभी पिछले हफ्ते जिस तरह से सलमान रश्दी के ऊपर हमला किया गया और उनकी गर्दन काटने की कोशिश रही थी। अब जो एक सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि जो इस्लामिक इदारे हैं उनको ब्लास्फेमी को लेकर कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है और उसको कहीं ना कहीं रिडिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज में ब्लास्फेमी का नाम लगाकर लोगों की गर्दनें काटना, इसको एक फ्री कंट्री या फ्री वर्ल्ड में जहां पर लोग संवैधानिक अधिकार हैं वो दायरे हैं उसमें इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है, और इस्लामिक जो इदारे हैं उनको एक बड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह की देखिए चर्चा जोर देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, शायद आपने ना पढ़ी हो, अगर ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना। आयतुल्ला खामिनाई ने, आपको याद होगा, सलमान रुश्दी के कुफर का फतवा दिया था और कत्ल का फतवा दिया था कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। उस वक्त में ईरान के जो सदर थे वो रफसंजानी थे। रफसंजानी जो है आयतुल्ला खामिनाई के पास पहुंचे और ये कहा कि हजरत, आपने ये क्या कर दिया, ये कैसा फतवा दे दिया? आपको पता है ये आदमी कहाँ रहता है और किसकी पनाह में रहता है? अगर इसके खिलाफ इस तरह के फतवे हम लोग देंगे तो
तो ईरान को जो है मुल्क को बहुत बड़ी पाबंदियों का, बहुत बड़ी मुश्किलात का, माशियात का और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो आयतुल्ला खामिना ही ने कहा कि और बताओ क्या हो सकता है कि साहब देश पर पाबंदियां लग सकती हैं, और बताओ क्या हो सकता है कि जो हमारे मुआहदे हैं गैर मुल्कों से वो सारे टूट सकते हैं, कि और क्या हो सकता है कि हर तरह की पाबंदी का ईरान को सामना करना पड़ सकता है। तो आयतुल्ला खामिना ही ने लास्ट में ये कहा कि अच्छा मुझे आप ये बताइए मुझे क्या करना चाहिए, अगर इस्लाम और मुल्क के बीच में मुझे किसी एक चीज को चूज करना पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस्लाम के लिए मुल्क को छोड़ दूं या मुल्क के लिए इस्लाम को छोड़ दूं। तो लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि मैं मुल्क को छोड़ सकता हूं, मुल्क तबाह हो जाए बर्बाद हो जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस्लाम जिंदा रहना चाहिए, मेरा इस्लाम बाकी रहना चाहिए। यह आयतुल्ला खामिना ही का फतवा है बाकायदा, अगर आपने नहीं पढ़ा मैं आपको भेज दूंगा। जो लोग इल्म रखते हैं, जो लोग इस्लाम से वाकफियत रखते हैं, जो लोग इस्लाम से जानकारी रखते हैं, आयतुल्ला खामिना ही, हालांकि मैं देवबंदी हूं और वो अहले तशी में से हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने उनके इस फतवे को और उनकी इस बात को सर माथे पे रखा। तो ये सच्चाई है कि इस्लाम के सामने अगर हमारा ईमान जाता हो तो मुल्क हमारे लिए क्या है फिर, अगर हमारा ईमान ही चला जाए तो मुल्क में जीना ना जीना हमारे लिए बराबर है, हमारा तो खत्म हो जाना जरूरी है फिर ऐसे वक्त में, अगर ईमान हमारे पास ना रहे। हमारा ईमान ही तो सिखाता है कि हम मुल्क के लिए अपनी जान भी दे दें, हमारा ईमान ही सिखाता है कि जो आंख मुल्क की हिफाजत के लिए जागे उस पर जहन्नम की आंच भी हराम है, ये इस्लाम ही तो सिखाता है हमें। जी आपकी बात हुई रशीदी साहब, जो ये आप आयतुल्ला खामनेई की बात कर रहे हैं, उनके बेटे ने एक जर्नलिस्ट से कहा था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनसे कहा था कि उनके फादर ने वो किताब नहीं पढ़ी और उन्होंने बिना पढ़े ही फतवा जारी किया। सवाल ये है कि बिना पढ़े बिना समझे किसी चीज को ऐसे फतवे देना जिसकी वजह से देश या दुनिया में अफरा तफरी मचे, इनको क्या जायज ठहराया जा सकता है या फतवे निकालना जिसकी वजह से इतने। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि आयतुल्ला खामिनेई को मामूली आदमी था मैंने ये नहीं कहा कि वो मामूली ये छोटे आदमी और है, उन्होंने बगैर पढ़े लिखे ये फतवा दे दिया? ये जो मैं ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं मैं उसकी बात बता रही हूँ। नहीं, आप इसको पहले ये कीजिए ना कि आयतुल्ला खामिनेई का जो फतवा था वो क्या बगैर पढ़े लिखे दे दिया था उन्होंने? उनके इस बेटे की तरह की बात जो कही है। सिचुएशन सुनिए, जो सिचुएशन इस तरह की आती है, देखिए कुछ लोग सवाल करते हैं टीवी पर बैठकर कि मुल्क पहले है इस्लाम पहले है, आपके लिए मुल्क पहले है इस्लाम पहले है? तो हम ये कहते हैं फख्र के साथ कि हम मुसलमान हैं हमें इस पर फख्र है, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं हमें इस पर भी फख्र है। अगर हमारे पास ईमान ही नहीं है तो हम चाहे सऊदी अरब में बैठे हो हमारा जिंदा रहने का फायदा क्या है? हमारा ईमान तो ये है कि इस्लाम है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर इस्लाम ईमान हमारी जिंदगी से निकल गया तो हम चाहे सऊदी में बैठे हो या हिंदुस्तान में बैठे हो क्या फर्क पड़ता है मुल्क से, और बताओ आप मुझे? कोई फर्क नहीं भारत पड़ता। मतलब मुल्क कहीं पे भी पाकिस्तान आता में बैठे हुए लोग क्या बदमाशी और बेईमानी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। सऊदी में बैठे हुए लोग क्या मुल्क की कुदरत के बदकारी खिलाफ और मुल्क बदफैली की नहीं क्या करते? जिम्मेदारी है, मुल्क के तो लिए सिर्फ जिम्मेदारी, मतलब नहीं, देखिए एक बात मुल्क सुनिए, की जगह नहीं है, ईमान सबसे ज्यादा ऊपर होना चाहिए मुल्क नजर। की मोहब्बत अपनी जगह है, मुल्क की मोहब्बत अपनी जगह है, हमारा इस्लाम सिखाता है इस बात को कि मुल्क से मोहब्बत करो, इस्लाम सिखाता है। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि साहब मुल्क को पसंद करो और इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम को नापसंद करो, तो मैं तो नहीं मान सकता इस बात को। ऐसा तो हमारे मुल्क में अगर कहा है मेरे कि अगर पास संविधान ने सबको इजाजत दिया है कि अपने अपने धर्म बस फॉलो कर सकते बात हैं, खत्म हो गई, तो अगर उस मेरे नबी की शान में मोहतरमा, अगर मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं तो तो अपना उसके लिए गुस्सा संविधान जिस हाल में होगा व्यक्त करूंगा अपना गुस्सा। तो बिल्कुल अगर आप राशिद गुस्सा साहब व्यक्त ने कर ये कह सकते दिया, हैं, अगर वो राशिद जा ने ये सकते कह हैं ना। दिया महासचिव कांग्रेस के कि साहब अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम आग लगा देंगे, कौन सा गैर संवैधानिक काम हो गया भाई ये बताइए आप मुझे? आग लगाना गैर संवैधानिक नहीं है,
आग लगाने की अरे धमकी देना। उन्होंने शर्त के साथ कहा है ना, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं आग लगाने जा रहा हूं देश में, उसने ये कहा कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, आदमी दबाव बनाता है, आदमी दबाव बनाता है सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर, 10 तरह की बातें करके दबाव बनाता है, हम ये भी दबाव ना बना सके? दबाव बनाइए, दबाव बनाने के लिए कौन कह रहा है, संविधान कैसे बनेगा आप मुझे बताइए, कैसे बनेगा दबाव? अगर हम सुनिए, अगर हम जलसे जुलूस करते हैं, अगर हम जलसे जुलूस करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब देखो ये लाखों लोग इकट्ठे हो गए, क्यों हो गए? फिर उनमें नारेबाजी हो जाती है कि साहब ये तो नारेबाजी हो गई। तो हम, आप मुझे ये बताइए, हम कैसे दबाव बनाए सरकार पर कि हमारे नबी की शान में ऐसा ना हो? मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके पूर्ण प्रदर्शन करें, मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। जहां 100 या 200 या 500 आदमी इकट्ठा होता है, उनमें 2-4, 10-20 लोग ऐसे बेखले जरूर होते हैं जिनको यही पता नहीं कि हमें क्या कहना है। होते हैं इस तरह के लोग भीड़ में, कर जाता है कोई आदमी, या तो सोची समझी साजिश होती है, या अनजाने में भी कोई आदमी कर जाता है जिसको यही नहीं पता कि मैं जो बोलूंगा इसका अंजाम क्या होगा, अनजाने में आदमी कर जाता है। दूसरी बात ये देखिए, फिर मैं कहना चाहता हूं इस बात को, नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसके लिए मुसलमान जिस तरह से भी अपने जज्बात को व्यक्त करना चाहेगा, वो उसको उन जज्बात को व्यक्त करना संविधानिक है, गैर संविधानिक नहीं है। हाँ, गला काटना किसी का ये संविधानिक नहीं हो सकता, ना इस्लामिक है, हम नहीं मानते इस बात को। लेकिन ये कह देना कि साहब अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम ऐसा कर, तो ये कोई गैर संवैधानिक नहीं। शहर में आग लगाने की बात या सवाल सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो है वो सरतन से जुदा के नारों पे है, क्योंकि ये सारे नारे बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे नारे हम पाकिस्तान में सुना करते थे, अब भारत में प्रचलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने का और बहुत गंभीर मुकाम तो है कि हमें कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की जरूरत है। इससे पहले की हर बात को पाकिस्तान से जोड़ देना, कभी तो आप कहते हो कि पाकिस्तान मुट्ठी भर मुल्क है, पाकिस्तान की अपनी हैसियत कुछ नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की हैसियत कुछ नहीं है, या हर बात को पाकिस्तान से जोड़ते हो, मेरी समझ में नहीं आता। आप अहमियत दे रहे हो पाकिस्तान को भाई, आप लोग खुद अहमियत दे रहे हो ना पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में, अरे पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान में आज आग लग जाए पूरे में, पाकिस्तान आज खत्म हो जाए, क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हो भाई? अफगानिस्तान बोल देती हूँ, चलिए। नहीं, आप दूसरे मुल्क का नाम ही क्यों लेते हो, जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान ना पाकिस्तान से प्यार करता है ना अफगानिस्तान से प्यार करता है। सवाल यही है, सऊदी अरब से भी प्यार मुसलमान को सिर्फ इसलिए है कि वहां बैतुल्लाह है और वहां अल्लाह के नबी की कब्र है, इसलिए हम सऊदी से प्यार करते हैं। रशीदी साहब, सवाल मेरा यही है कि जो सतन से जुदा के नारे को लेकर सवाल है, उस पे तो सवाल बनता है ना कि वो भारत में नहीं होता था, अभी तो ये नजर आया, इससे पहले भी सतन से जुदा के नारे आपने लगते हुए कभी देखे भारत में? नहीं, पहले तो ये साबित करो कि भीड़ में, पहले तो ये साबित किया जाए कि भीड़ में सरतन से जुदा के नारे किसने लगाए और जिसने लगाए। रशीदी साहब, कानूनी कार्रवाई करो उन पर, कानूनी कार्रवाई करो, बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी तो नहीं होगी का क्या मतलब है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, हो रही होगी, अगर कार्रवाई होती तो फिर कहते हैं कि संवैधानिक कार्रवाई हो। अब सड़कों पर सिर्फ सरकार से जुदा की आवाज लगाई जाती है तो वो कौन सी जज्बात है।